शेर दिल वाले खाते हैं मटन, शेर का भी घास नहीं खाता। तुम लोग यहाँ पे आ गए मटन खाने, मैं तो एक्चुअली खाता नहीं हूँ, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं जो खाएंगे यहाँ पे, और यहाँ का टेस्ट बताएंगे। जो काफ़ी फेमस यहाँ का ये मटन है, मटन। और अंदर का कुछ नज़ारा इस प्रकार का है। और आते देखिए कैसे यहाँ पे मटन बनता है, ददन मटन हांडी में। सही मटन को हांडी में रखा जाता है और सीधा आग में डाल दिया जाता है। वहाँ पे पूछे ना उनका, तो भैया उनका पार्टी तो हो गया और सभी लोगों ने मटन खा लिया है सिवा मेरे। एक लड़का को बहुत देर से मिला था मटन, बहुत देर से मटन मिला था बैठने के बाद, सब लोग खा गए। अब चल रहे हम लोग दिखा के। एक्चुअली गलती उसके भी थी कि जब वो ऑर्डर लेने आया वेटर ने, तो एक ही आके बोला कि आज मैं नहीं खाऊंगा, और अचानक से जब मेरे हम लोग खाने लगे तो उसके अंदर एक अपना खाने का लालसा मिट जा गया कि हम भी खाएंगे। टेस्ट किया और उसके बाद इसने बोला कि भाई एक मेरा मिला, उसने बोला कि अब मालिक ने बंद कर दिया, मालिक ने बंद नहीं मिलेगा जब तक पुराने में खाएंगे तब तक, क्योंकि उसके यहाँ स्टाफ के भी कमी था, क्योंकि अभी अभी आज ही खुला था। हाँ जो फर्स्ट डे था उसका, पूरे सावन में वो बंद था। हाँ पूरा स्टाफ कमी के कारण वो आज सर्विस ठीक से नहीं दे पाया, इसलिए कोई नहीं हम लोग आते रहते हैं। उसे नवल इतना खा लिया है कि हो सकता है किनारे हम लोग जा रहे हैं दीघा में। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, जा रहे हैं अगर जरूरत पड़े तो। पटना का जो मरीन ड्राइव काफी चर्चा में चल रहा है, आप पटना में रहकर हम पटना में नहीं घूम रहे हैं, चलिए आपको घुमाते हैं। दीघा का एम्प्रेसाइड का रोड है जो सीधा दीघा मरीन ड्राइव उतरता है, और हम लोग यहाँ से भी चल रहे हैं स्कूल पे, एम्स एलिवेटेड पे, इसका नाम पाटलीपथ भी है। यहाँ से आप सोनपुर, जेपी सेतु, छपड़ा, मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं, और हमारा ये पाटलीपथ का गंगा पथ के नाम से जाना जाता है। गंगा का जल स्तर कितना बड़ा हुआ है, अभी पानी काफी ज्यादा गंगा में पानी आ चुका है अभी। दोपहर हो रहे हैं तो शाम के वक्त यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होता है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं शाम में, दोपहर में घूमने आए। कोई है जिसको वजह से हम लोग यहाँ रुका गया है, खाली है, हम लोग बढ़ेंगे आगे। कोई नहीं, BR-29 चलाना लगा गाड़ी, पेपर को चेक करना था। वीडियो बनवा देखा आगे।
समय इसके कारण कोई भी भीड़ नहीं यहाँ पे। नहीं तो शाम में काफी ज्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। ऊपर गाड़ी लगा लेते भारत सरकार है। यहाँ से दीदारगंज 21 किलोमीटर है, 0.6 किलोमीटर। रास्ता जो है देख रहे हैं सीधा अटल पथ की ओर चला जाता है, आर ब्लॉक की ओर निकल जाता है। अभी दोपहर का समय है और फिर भी कुछ लोग हैं। अभी जब शाम में आप आओगे तो आपको नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलेगा। इस रोड के बनने के कारण कुछ लोग हैं जो इस रोड का गलत उपयोग करते हैं, जैसे अपनी बाइक को वो काफ़ी तेज हवा में लेकर चलाते हैं। ये कारण अभी आज में कितनी घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। अपने गाड़ी को यहाँ पर ला रहे हैं तो आराम से चलाएं, जल्दबाजी ना करें, ये आपके कारण दूसरे लोग कभी हो सकते।